नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक। 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब, और कैसा रहा आपका आईपीएस पीओ मेंस का एग्जाम? काफी टफ था पेपर, ऐसा लोगों ने कहा, हालत खराब कर दिया पेपर ने। और ऐसा ही होता है, देखो पीओ का जो पेपर है वो मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है। हर साल कोई ना कोई पेपर डिफिकल्ट आ ही जाता है। जैसे पिछले साल क्वांट काफी डिफिकल्ट था, इस बार रीजनिंग उन्होंने काफी डिफिकल्ट कर दिया। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, सेक्शनल अटेम्प्ट और ओवरऑल अटेम्प्ट, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इससे एक आइडिया लगेगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं लोगों के। और मैं बात करूँ तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कट ऑफ का वीडियो लेकर आया जाए, जैसा कि मैं हमेशा आता हूँ। एक्चुअली मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम है सीआईबी का भी नवंबर दिसंबर में, तो इसीलिए वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा चलो फाइनली वीडियो बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको पेपर को कंपैरिजन करूंगा, उसके बाद वैकेंसी के डिटेल्स बताऊंगा, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे बैंक में जॉब करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, और उसके बाद बैंक ज्वाइन करने के बाद काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ मैं बताता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं पेपर के लेवल की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले साल से कंपैरिजन करो इस साल के पेपर की, तो रीजनिंग जो था वो पिछले साल मॉडरेट था, इस बार डिफिकल्ट साइड में था। काफ़ी दिक्कत हुई लोगों को रीजनिंग बनाने में। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 5 और 6 रीजनिंग बनाया है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी है जिन्होंने बनाया तो है रीजनिंग, लेकिन उसमें क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशियंसी ये सब बना दिया है, जो कि गलत होने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि पजल एक भी बन नहीं रहा था। काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था रीजनिंग का, और रीजनिंग के कारण मुझे लग रहा है कि कट ऑफ कम जा सकता है। बात करो जीए की, तो जीए पिछले बार मॉडरेट था। पिछले बार कुछ जीए कुछ के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, इजी थे, पिछले साल की बात करूँ। लेकिन इस साल जो था जीए का पेपर, वो पिछले साल से, अगर मैं बात करूँ, पिछले बार 19 था तो इस बार 20 था, मतलब रिलेटिवली टफर साइड में था, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग पढ़ के गए थे वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो जीए भी डिफिकल्ट साइड में ही रखेंगे। बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट पिछले साल काफी डिफिकल्ट था, लोग 8, 10, 9, 6, 12 ऐसे करके आ रहे थे, लेकिन इस बार क्वांट ने थोड़ा सा राहत दिया है लोगों को, और इस बार क्वांट पिछले साल से थोड़ा इजी साइड पर था। इजी साइड में था मतलब मॉडरेट था, पिछले बार डिफिकल्ट था तो इस बार मॉडरेट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। और क्वांट में लोगों ने इस बार 15, 18, 20 भी अटेम्प्ट किया है, 22, 25 भी किया है करने वाले ने। उसके बाद बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी पिछले साल मॉडरेट था और इस बार भी इंग्लिश मॉडरेट था, मतलब इंग्लिश में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, लेकिन इस बार जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी। तो ये था पेपर का कंपैरिजन। अब चलते हैं वैकेंसी के तरफ। तो ये आप देख सकते हैं पिछले साल जो वैकेंसी थी, हालांकि ये फाइनल वैकेंसी थी, फाइनल वैकेंसी मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे जो वैकेंसी थी वो ये नहीं है। फाइनल वैकेंसी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये 7,402 थी, जो कि ज्वाइनिंग के टाइम पे थी 1 अप्रैल को। तो ऑब्वियस सा बात है एग्जाम टाइम में इससे कम ही वैकेंसी होगी। अगर बात करूँ इस बार की, तो काफी सारे बैंक ने ऐड किया है, आरटीआई का रिप्लाई काफी सारे लोगों का मिला है। तो इंडियन बैंक ने वैकेंसी ऐड किया है, सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था 1,000, उसके बाद इंडियन बैंक ने, देन पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिसेंटली ऐड किया है। और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट डेटा है वो ये है कि पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 300 वैकेंसी बढ़ा दी है पीओ में। तो ओवरऑल वैकेंसी अगर बात करूँ तो अप्रॉक्स 6,000 वैकेंसी है, यानी कि बोल सकते हैं कि पिछले साल एग्जाम के टाइम पे जो वैकेंसी थी और इस साल जो एग्जाम के टाइम पे वैकेंसी है वो लगभग सेम है, थोड़ा बहुत का फर्क है। तो अब चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पिछले बार जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 71.25, ईडब्ल्यूएस की थी 70.5, ओबीसी की थी 69.75, एससी की थी 59.25 और एसटी की थी 53.25। तो ये हो गया पिछले साल का जो कट ऑफ था। अब इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ गिरेगी, पता नहीं, मुझे गट फीलिंग लग रहा है कि कट ऑफ इस बार गिरेगी, क्योंकि रीजनिंग का पेपर डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो लोगों के स्कोर उसमें कम होंगे, जीए में भी स्कोर कम होंगे। जीए और इंग्लिश एक ऐसा पेपर होता है जो मार्क ईटर्स होता है, ठीक है, काफी सारे लोगों का मार्क्स इसमें कम होता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूँ तो 66 से 69 मैंने एक्सपेक्ट किया, 3 का रेंज लिया है। एससी की बात करूँ तो 55 से 58 और एसटी की बात करूँ तो 50 से 53। तो यही था मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब देखते हैं, फाइनल कट ऑफ तो ये नहीं है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया है। अब फाइनल कट ऑफ तो जब रिजल्ट निकलेगा, 1 महीना में निकल जाना चाहिए, तो आपको पता चलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।